नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने ला रहे हैं जिन्होंने मात्र 3 साल की उम्र से 11 साल की उम्र तक बहुत ही ज्यादा अवार्ड जीते, साथ में एक दो नहीं पूरे 7 नृत्य के विधाता हैं। वो है कानपुर गौरव से सम्मानित हमारे यंग डायनेमिक डांस कोरियोग्राफर जनाब विपिन निगम जी। जीएमडी न्यूज के इस कार्यक्रम में विपिन जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विपिन जी, मैं आपको बहुत समय से देखता आ रहा हूँ जी, और चूंकि आप कायस्थ हैं और कायस्थों के बारे में कहते हैं कि वो नौकरी और लिखाई पढ़ाई में रहते हैं जी, तो ये आपकी ये नृत्य विधा में इंटरेस्ट कैसे आया? सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद है, हम कैस्ट फैमिली में जितने भी हैं वो सर्विस या पढ़ाई में रहते हैं, वैसे माँ सरस्वती जी का भी आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है और कोई ना कोई क्षेत्र में रहता है। जैसे आपको एक बहुत अच्छा गज़ल गायक के रूप में उन्होंने दिया है आशीर्वाद और मुझे नृत्य के रूप में वो आशीर्वाद मिला है, तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम कैस्ट फैमिली से हैं। और कैस्तों में ये एक अलग सा गुण होता है, प्लस पॉइंट होता है कि वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत में भी आगे रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये जैसे कि नृत्य को मैं समझता हूँ कि अभी के पीरियड को छोड़ के बैक में जाइए तो नृत्य को बड़ा थोड़ा सा एक हेदर से देखते थे कि घर में कोई बॉयज या लड़का डांस करता है तो उसको कहते हैं डांस नहीं, इसको हटाइए, तो आपको क्या इस टाइप की परेशानियाँ आई हैं? एक्चुअली जैसे आपने बताया कि मैंने 3 साल से डांस को किया तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा सबको कि यार 3 साल का बच्चा है और बहुत अच्छा डांस कर रहा है, सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक एज आने पर वो चीज़ थोड़ा सा लगने का, नहीं अब ठीक है पढ़ाई करो भाई, कैस्टों में डांस का नहीं है या म्यूज़िक का इतना वो नहीं रहता है, तो डांस हमने किया बंद करके। फिर ये हुआ कि पढ़ाई चालू करी, लेकिन ये जो डांस मुझे मिला था गॉड गिफ्ट मिला था, मैं दुनिया में आई ही डांस करते था तो वो बंद नहीं हो सका। मैंने पूरा पढ़ाई करी अपने, पूरा जो भी एमए किया मैंने, देन उसके बाद मैंने फिर डांस की सारी विधाओं का कथक को भरतनाट्यम दोनों से विशारद प्रभाकर और एमए किया। अच्छा, आपने बताया कि भरतनाट्यम कथक दोनों से आपने डिग्रियां ली हैं। जी जी जी, तो दोनों का समावेश कैसे कर देते हैं, क्योंकि भरतनाट्यम डिफरेंट है और कथक का डिफरेंट है जी, तो आप किस तरीके से दोनों को समावेश करके एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं? सर, जैसे अभी आपने बताया कि डांस एक लड़के का करना उसकी फैमिली को नहीं पसंद था, तो मेरा भी एक माइंड में एक सनक सी हो गई थी, नहीं करेंगे तो कर दिखाएंगे और एक नहीं दो में नहीं पूरे 7, तो बस एक सनक थी और कर दिखाया करने की कोशिश, तो आप लोग का आशीर्वाद और भगवान का, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद मिला और मैं कर दिखा दिया। अच्छा, पहले तो नृत्य, पहले की नृत्य विधा में और आज की नृत्य विधा में क्या फर्क महसूस करते हैं? पहले नृत्य कला थी, उसे एक साधना के तौर से, पूजा के तौर से किया जाता था, पर आज जो नृत्य और डांस है वो एक व्यवसाय में हो गया है। वो एक जिसको भी है कि डांस करना है तो हाँ से इनकम हो सकती है। पहले कला होती थी, लोग उसे बहुत उससे देखते थे, यार वो डांसर हैं या उन्होंने सीखा है, घराने होते थे, उन घरानों में जाके लोग सीखते थे, लोग ढूंढते थे किसी तरह गुरुजी हमें वो सिखा दें। पर आजकल इतना ज़्यादा फास्ट लाइफ में यूट्यूब घराना और गूगल घराना हम बोलते हैं, बस उसी में आप सर्च करिए और तुरंत आपको जो सीखना सीख लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। वैसे भ्रम है आपको, आपको लगेगा कि हाँ हमको आ गया है हम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, उससे आपकी कोई कैरियर उसके कोई आप बहुत अच्छे डांसर नहीं बन सकते। तो आपने, आपके गुरु कौन रहे भरतनाट्यम? हमारी डॉक्टर सुचारिता खन्ना जी हैं जी। उनसे और आचार्य मंजुला जी से मैंने कथक, और रुचि त्रिवेदी जी से मैंने तबला और गायन का भी थोड़ा सा प्रभाकर शरद किया। तबला गायन में जी, भी आप जी, जी। यानी कि आपके संगीत की सारी विधाओं, तीनों विधाओं में, तीनों विधाओं से परफेक्ट है जी। तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं कि पहले में, आजकल में आपने बताया कि, लेकिन आज जो इतना मेटलिस्टिक हो रहा है उसमें अंदर से एक कला विधा क्यों नहीं आ रही लोगों में? रीजन है आज कला की कोई रुचि है ही नहीं, आज वही है सबको इंटरेस्ट चाहिए, तुरंत हो जाए सब कुछ, तुरंत ही हम डांसर बन जाए, तुरंत ही हम जॉब करने लगे, तुरंत ही हम इतने जो रियलिटी शो जाते हैं उसमें जाके विनर भी बन जाए, उनमें सिलेक्शन ही हो जाए। करना कोई नहीं जानता है, सीखना कोई नहीं जानता है, और सबसे बड़ी बात गुरु कोई किसी को नहीं बनाना चाहता और ना मानना चाहता है, उनको लगता है हम ही गुरु हैं और हमसे बड़ा गुरु कोई नहीं। अच्छा, नृत्य के आपने बता दिया आजकल के समय में तो नृत्य सीधे सीधे उनको अर्निंग का एक
जरिया मिल गया है, तो लेकिन नृत्य के और भी क्या फायदे हैं? नृत्य के देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारी फिटनेस के लिए है, हमारी अपनी जो हेल्थ इशूज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है या आपके बीपी है या जो भी टेंशन है वो सब दूर हो सकते हैं। मतलब डायबिटीज़ और ये या डांस से दूर हो सकती जी जी जी। आप अगर सोचते हैं कि डॉक्टर कहते हैं भाई आपको डायबिटीज़ है, आप इतनी देर वॉक किया करिए, इतनी देर वॉक करिए, अगर उतनी देर आप डांस करके ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो आराम से बीपी और डायबिटीज़ हम दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको वो करना है, आप सोचेंगे कि नहीं हम करेंगे करेंगे तो नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। ये आपने अच्छी बात बताई, मतलब इट मींस कि ये एक तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज भी। लोग कहते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं वॉक के लिए, रात को लेट आते हैं, रात को वॉक नहीं कर सकते हैं, आप अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग लगाइए, कुछ अच्छा सा गाना लगाइए, बढ़िया कमरे में चालू हो जाइए, क्या दिक्कत है। अच्छा क्या आप समझते हैं विपिन जी कि एक आम जीवन में नृत्य का होना जरूरी है? अवश्य, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आज की लाइफ इतनी टेंशनफुल हो गई है, आदमी को लिए अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, वो इतना ज़्यादा भाग रहा है, इतना भाग रहा है कि जिससे वो सिर्फ बीमारियां ले रहा है, पैसा के लिए वो भाग रहा है पर उसको मिल भी रहा बीमारियाँ नहीं हैं। तो आज के टाइम पे डांस करना, जब भी फ्री, जब मौका मिले आपको, जब फ्री हो आपको, ज़रूर करना चाहिए डांस, से आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। अच्छा ये विपिन जी एक ही बात बताइए कि नृत्य की कौन सी विधा आज पॉपुलर हो रही है? बहुत सी विधाएं हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग नृत्य की विधाएं हैं जी, और कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, ये बहुत सी हैं, और तो कौन सी विधा जो है आजकल शैली जिस मैं कहूँ बहुत पॉपुलर हो रही है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं और आपको लगता है कि उससे बहुत हम और आगे बढ़ेगी? सर एक ही चीज़ है कि कितना भी आज मार्केट में पिज़्ज़ा बर्गर आ जाए आपका पेट पनीर और दाल चावल से ही भरेगा। अच्छा। तो जी मेरा मानना तो यही है, वो अच्छा लगता है, चीज़ें वही हैं, अब मोमोज आ गए हैं, मोमोज क्या हैं, पहले हम लोग कुछ दाल के अलग खाया करते थे, आज उसको उन्होंने अच्छा सा पैक किया और मार्केट में ले आया वो मोमोज आ गए या चाउमीन या जो भी है, ये सिर्फ आपके लिए क्षणिक है लेकिन पेट तो आपका दाल चावल से ही भरेगा। एटीट्यूड मेरे लिए भी क्लासिकल डांस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो भी इंपॉर्टेंस या बेसिक है उसी डांस से स्टार्ट हुई है। जब तक आपकी डांस में मेन क्या है, बीट, बीट को अगर फॉलो करना, उसको आप रिदम के साथ मिलाना नहीं सीखेंगे तो आप कभी अच्छे डांसर नहीं बनेंगे। आप देख के कुछ भी कर लेंगे, आज इतने सारे टीवीज में जितने वेबसाइट आ गए हैं डांस सिखाने के, लेकिन उनसे डांस आप डांसर नहीं बन जाएंगे, सिर्फ देख के थोड़ी देर कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा, हम छोटा सा दोस्तों एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपको विपिन जी से उनके अनुभव के बारे में बताएं।